हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 4 के बारे में। सीपीसी ऑर्डर 3 रूल 4 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, प्लीडर की नियुक्ति, एडवोकेट की नियुक्ति कैसे होगी, ये बताता है सीपीसी ऑर्डर 3 का रूल 4। कोई भी प्लीडर या एडवोकेट किसी भी पार्टी के लिए तब तक कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता जब तक कि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पार्टी के द्वारा अपॉइंट ना किया गया हो, जैसे कि वकालतनामा या पावर ऑफ अटर्नी, और वो साइंड होगी पार्टी के द्वारा और एडवोकेट या प्लीडर के द्वारा साइंड होगी। इसका सब रूल 2 कहता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट से अपॉइंटमेंट की, वो जैसे कि वकालतनामा या पावर ऑफ अटर्नी, वो कोर्ट में दाखिल होगी और ये तब तक वैलिड होगी जब तक कि जो कोर्ट है उसे डिनाई ना कर दे, या जब तक क्लाइंट या प्लीडर एडवोकेट की डेथ ना हो गई हो, और या जब तक जो क्लाइंट है उसकी जो केस से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो एंड ना हो गई हो, समाप्त ना हो गई हो। इसका सब रूल 3 कहता है कि सब रूल 2 की बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वो किसी तरह की रोक लगाती है, जैसे कि जो प्लीडर या क्लाइंट है उसकी जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसके विस्तार पे रोक नहीं लगाती जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, सब रूल 4 कहता है कि जो व्यक्ति या पार्टी साइन करने में असमर्थ है, लिखने में असमर्थ है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर, जनरल ऑर्डर करके डायरेक्शन देगा कि किस रीति से, जैसे कि थंब का निशान लगा के उसे चिन्हित किया जाए डॉक्यूमेंट्स को, वकालतनामे को, तो या किसी अन्य रीति से जो भी डायरेक्शन दे कोर्ट उस रीति से, इसका सब रूल 4 कहता है। और सब रूल 5 कहता है कि अगर कोई एडवोकेट या प्लीडर केवल प्लीडिंग्स यानी कि अभिवचन के लिए अपॉइंट किया गया है तो उसको एक मेमोरेंडम कोर्ट में फाइल करना होगा जिसमें कि वो जिस पार्टी के लिए अपीयर हो रहा है या जिस पार्टी के द्वारा वो अपीयर हुआ है या जिसके लिए उस पार्टियों के नाम लिखने होंगे उस मेमोरेंडम में, और वो साइन करने होंगे उस वकील को अपने खुद के साइन करके, उसे फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, तो वो प्लीडिंग्स कर सकता है। फ्रेंड्स, मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप वहाँ से मेरी और वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।